जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आधी रात को ये घना जंगल है और ये शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हम जंगल में आए हुए हैं। अंबिकापुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और हम जिस सांप को रिलीज करने वाले हैं वो है इंडियन रॉक पैथन। और इस सांप को रेस्क्यू हमारे सर ने रेस्क्यू किया हुआ है। सर, कहाँ से आपने इसका रेस्क्यू किया था? इसको बनारस रोड चठीरमा से, व्यापारी मेडिकल स्टोर के आगे। अच्छा, तो आपने स्नेक रेस्क्यू कैसे सीखा? मैंने सत्यम द्विवेदी स्नेक मैन आप सरगुजा को साथ में उसके साथ मतलब जाकर देख के ही सीखा हूँ उसी से। जी जी। और जहरीला सांप को तो ऐसे नहीं पकड़ता हूँ। जी जी। जहरीला जहरीला रहता है उसी को। जी जी। अपने एक प्रयास किया है। जी जी। करने का बहुत बढ़िया। सर, आपके वजह से किसी बेजुबान की जान बचाई गई है, और हमारा ये 112 देख रहे हैं जैसे इनके चालक हैं। और सर, मेरे साथ जैसे मैं सत्यम द्विवेदी मेरे साथ हमेशा साथ देते आए हैं, जहरीला सांप हो 24 घंटे मेरे साथ एक्टिव रह के स्नेक रेस्क्यू का कार्य करते हैं, और ये हमारे 112 की गाड़ी है जो हमेशा साथ रहती है। आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क 112 के थ्रू कर सकते हैं। कोई पकड़े नहीं तो दोस्तों, सांप को मैंने आज़ाद कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सांप है और ये चूँकि रोड में आ चुका है तो मैं इसे अभी साइड में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ये जंगल की ओर चला जाए आज़ादी से, क्योंकि हमारे भारत में अजगर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये सारे के सारे शेड्यूल 1 में आते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, 112 की टीम आई हुई है जो कि मेरे लगभग सारे रेस्क्यू में साथ होती है, और हमारे पुलिस वाले भाई लोग चोर को पकड़ने के साथ साथ बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए भी कार्य करते आए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं दोस्तों, अजगर कितनी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है और अपने परिवेश में जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इससे बताया जा रहा है कि ये इसको तौलने के बाद लगभग ये अजगर 16 केजी का था, यानी कि ये किसी भी छोटे बछड़े को अपना शिकार बना सकता है या फिर बकरी के मेमने को। अजगर 5 से 6 गुना अपने माउथ को स्ट्रेच कर लेते हैं। 112 की टीम अन्य जीवों को भी निगरानी में रखी है ताकि इसे रिलीज करते टाइम अन्य कोई जीव ना आ जाए जंग जंग। देखिए, अजगर की ये सामान्य चाल है, अजगर आमतौर पर इसी चाल पर चलता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर या फिर अन्य किसी कारण से अजगर की गति इससे 3 गुनी से 4 गुनी हो सकती है। इसलिए अपनी मानसिकता में ये न बैठाएं कि अजगर है और आप पर अटैक नहीं करेगा, सांपों से बराबर खतरा है। कुत्ते के अचानक आ जाने से डर का माहौल देखिए।